Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु. हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 4, चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं. ये भी खत्म हो गया है, फोर्थ चैप्टर भी अपना खत्म हो चुका है. कल सो जस्ट एक बार ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन में गोकुल में जो रूप है उससे जो आकर्षित है वो भगवान के किसी भी दूसरे रूप से आकर्षित नहीं होते. और जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का उदाहरण दिया, कहते हैं कि जो भगवान रामचंद्र के भक्त हैं उनके लिए भगवान रामचंद्र में और नारायण में कोई फर्क नहीं है. और इसका अच्छा उदाहरण है एक मुरारी गुप्ता जो चैतन्य चरितामृत में आते हैं, कि वो भी भगवान रामचंद्र के भक्त थे और वो भगवान राम को ज़्यादा मानते थे. तो ही वॉज ऑल्सो वन सच एग्जाम्पल. फिर यहाँ पे लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक अट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डिवोटी. तो हर भक्त का कुछ एक अट्रैक्शन है किसी भगवान के रूप के प्रति. तो किसी का भगवान नारायण की तरफ है, किसी का भगवान राम की तरफ है. तो वो जिसका जिस देवता सॉरी जिस डेटी के प्रति जिस भगवान के प्रति आकर्षण है वो उससे आसक्त रहता है. और यहाँ पे फिर ये कहा गया था लास्ट में कि देर आर मेनी मेनी फॉर्म्स, भगवान के बहुत सारे रूप हैं भगवान कृष्ण के. लेकिन ओके तो यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कि दो ऑल ऑफ द डिवोटीज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लव आर इन द सेम कैटेगरी. तो चाहे वो किसी को भी माने लेकिन वो सेम कैटेगरी के हैं. स्टिल इट इज सेड दैट दोस हु आर द डिवोटीज ऑफ कृष्ण आर द टॉप मोस्ट इन द लिस्ट ऑफ द डिवोटीज. फिर भी जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो सबसे टॉप में हैं. एंड व्हाई इज दैट, एनी रीजन, कैन एनीबॉडी गेस क्यों भगवान कृष्ण के ही भक्तों को टॉप मोस्ट क्यों माना गया है? इफ यू नो द आंसर स्टार्ट टॉकिंग बिकॉज मुझे पता नहीं चलेगा. See, ultimately, he is the supreme personality of Godhead, from whom even whether it's a Ram or a Narayan or they're all plenary expansions. Yeah. Okay. वो एक कारण है, but there is one main reason for that. जो जो भाव है उनका, जो mood, that is in माधुर्य. तो that's मतलब दूसरे रस वाले भी हैं वहाँ पे जैसे वात्सल्य वाले, बट स्पेसिफिकली गोलोक वृंदावन मेजोरिटी आर इन दैट माधुर्य भाव. एंड जैसे माता जी ने कहा भगवान कृष्ण जो हैं वो सबसे टॉप मोस्ट है, मतलब ही इज द ओरिजिनल कॉज. तो उसके कारण उनके जो भक्त हैं वो हमेशा और कैटेगरी में उनको दिखा जाता है, दे आर द टॉप मोस्ट. तो ये है. और एनी अदर रीजन आई कांट थिंक ऑफ. तो देर आर अदर डिवोटीज ऑल्सो, वात्सल्य ऑल्सो, शांत ऑल्सो, बट स्टिल भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो सबसे ऊपर है. वो अदर देन
तो और एक कारण ये भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण जो है ही इज कंप्लीट इन दैट 64 क्वालिटीज, जैसे दूसरे जो हैं भगवान नारायण है या रामचंद्र है, दे हैव ओनली 60 क्वालिटीज. तो दैट में ऑल्सो बी ए रीजन. और जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो सबसे टॉप मोस्ट हैं उनके लिस्ट में. तो गो एज फॉर दैट. तो यहाँ पे हमारा चौथा अध्याय जो खत्म होता है और हम लोग पांचवे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं. हम लोग जो पांचवा अध्याय है उसका शीर्षक है प्यूरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति करने के लिए शुद्धता चाहिए. तो जस्ट गिव मी अ मिनट. हरे कृष्ण. तो भक्ति करने के लिए प्यूरिटी चाहिए. तो भक्त तो सभी हैं, लेकिन जिसका जितना प्यूरिटी ज्यादा होगा वो उतना ही जो है भक्ति में अग्रसर होगा. He'll be more progressed. और इसके लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ भक्त जो होते हैं उनका जो शब्द है दे आर वेरी स्ट्राइकिंग. इमिडिएटली इट स्टक अवर हार्ट और हमको एकदम इमिडिएटली हम लोग को लगता है हाँ अरे वाह कि व्हाट ही सेइंग इज करेक्ट. इट इमिडिएटली ना इफेक्ट्स अवर हार्ट. तो ये क्यों है? बिकॉज हिज प्यूरिटी इज मोर. तो जैसे अपने ग्रुप में दैट स्मॉलेस्ट गर्ल गुरु भक्ति, आई रियली मतलब आई लाइक हर बिकॉज हर पॉइंट्स आर सो वंडरफुल. इतना अच्छा बोलती है एंड व्हेन शी स्पीक इट रियली टचेस अवर हार्ट. तो जो प्यूरिटी है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स. सो देर इज लॉट ऑफ प्यूरिटी रिक्वायर्ड एंड दैट प्यूरिटी ओनली विल मेक अस प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ. पर वो अगर नहीं है हम लोग तो भक्ति में हम लोग आगे नहीं जा सकते. हम लोगों को अगर जो टॉप मोस्ट हमारा गोल है गोलोक वृंदावन जाना, तो वो जाने के लिए हमें प्योरिटी चाहिए. अभी हम लोग ऐसे उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे गोल्ड है. गोल्ड 24 कैरेट एवरीबडी अप्रिशिएट्स, लेकिन 22 कैरेट है तो चलो ठीक है, एटलीस्ट 22 कैरेट है, थोड़ा सा कम. लेकिन 18 कैरेट स्पेशली अपने जो भारतीय है इंडियंस है दे डोंट अप्रिशिएट एट ऑल. उनको 18 कैरेट का सोना अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो प्यूरिटी नहीं है उसमें. सो वी कैन अंडरस्टैंड, वैसे ही भगवान भी जो है हमारा प्योरिटी देखते हैं. जो जितना प्योर होगा उतना भगवान उसके भक्ति को डिवोशनल सर्विस को अप्रिशिएट करते हैं. फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऑल ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, जो भी अभी तक निर्देश श्री रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं वो अगर उनको समझना है तो उनको ऐसा एक स्टेटमेंट में अगर हम एक वाक्य में कहा जाए तो एज लॉन्ग एज वन इज मटेरियली इंक्लाइंड और डिजायरस ऑफ मर्जिंग इनटू स्पिरिचुअल एफलजेंस वन कैन नॉट एंटर इनटू द रियलम ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस. तो अगर किसी का कोई भौतिक आकांक्षाएं हैं या भगवान में एक होने की आकांक्षा है, ही वांट्स टू मर्ज, तो वो कभी जो है प्योर डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति के उस क्या बोलते हैं उस जगत में कभी भी वो प्रवेश नहीं कर सकता. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एक टोटल क्या बोलते हैं 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन है. जस्ट अगर भगवान की तरफ जाना है तो ईस्ट में जाना है, बट अगर कोई वेस्ट की तरफ चलना चालू करे तो वो ईस्ट में नहीं पहुंच सकता. वैसे ही मटेरियल इंक्लिनेशंस हैविंग मटेरियल डिजायर्स, तो ये सब जो है ये टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए वो कभी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता. रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति वो सभी भौतिक कंसिडरेशन से परे, और ये किसी भी देश
किसी भी समाज, किसी भी स्थिति या किसी भी वर्ग से लिमिटेड नहीं है। जैसे भागवतम में कहा गया है, डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल एंड हैज नो कॉस्ट। तो भक्ति जो है वो आध्यात्मिक है और उसका कोई कारण नहीं है। डिवोशनल सर्विस इज एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी होप फॉर गेन। और भक्ति जो है वो किसी भी हेतु से नहीं की जाती, अरे मैं ये करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मैं ये करूंगा तो स्वर्ग लोग जाऊंगा या पैसा मिलेगा, भक्ति उसके लिए नहीं करी जाती। एंड इट के नॉट बी चेक्ड बाय एनी मेटल सिंह। और एक बार भक्ति करना चालू कर दिया तो कोई भी भौतिक परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती। तो हम लोग देखते हैं भक्ति जो है ये उसमें कोई आशा नहीं होती, उसमें कोई डिजायर्स नहीं है, कोई होप नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और इसलिए हम लोग देखते हैं जो 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 चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं, दे आर स्टिल लोअर देन कनिष्ठा, वो कनिष्ठ के भी नीचे माने जाते हैं। जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रीत न अर्जुन अर्थो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो ये चार जो है इनका कुछ इनका मटेरियल डिजायर है। जैसे गजेंद्र का था, उसको परेशानी से मुक्त होना था। ध्रुव महाराज को धन चाहिए था। जो फिर जो जो अलग अलग ऐसे उदाहरण, तो अगर कुछ अगर उसमें अगर कुछ हेतु है तो वो मतलब हम लोग को जो है वहां तक नहीं पहुंचा सकता भक्ति तक। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम भी कहता ना अहेतु की अप्रतिहता, मीन्स भक्ति जो है वो अहेतु है, उसमें कोई हेतु नहीं होनी चाहिए और अप्रतिहता, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम लोग ने थोड़े देर किया भक्ति, सुबह थोड़ा देर आधा घंटा, फिर शाम को आधा घंटा सोने के पहले, ऐसे नहीं। भक्ति शुड बी कंटिन्यूस। और इसका एक अच्छा उदाहरण ये भी है, जैसे एक बार नारद मुनि जी बोलते हैं कि आपके सबसे अच्छा भक्त कौन है, आपका सबसे अच्छा डिवोटी कौन है। तो वो एक नारद मुनि को लगता है शायद मेरा नाम लेंगे, तो वो बोलते हैं कि ये फलाना गांव में एक ये जो व्यक्ति है ये मेरा शुद्ध भक्त है। तो वो हैरान हो जाते हैं ऐसे कैसे, मतलब वो तो गृहस्थ है और सब उसका परिवार है, बीवी बच्चे सब घर देख रहा है वो, तो वो कैसे शुद्ध भक्त हो सकता। तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ वहाँ पे। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो उस प्रथा मुझे पूरी तरह से याद नहीं, कुछ हो जाता है और उनको ये कहा जाता है, जो वहाँ का जो राजा होता है वो कहता है कि आपको सर पे एक बड़ा मटका लेके पूरा फुल ब्रिम तक, उसका जो ऊपर के टॉप एज तक वो पानी भरा होगा, और इसको लेके पूरा गांव का चक्कर लगाना है और एक बूंद भी नीचे छलकना नहीं चाहिए, एक बूंद भी छलक गया तो विल किल यू। तो नारद मुनि जी अपना पूरा सर पे घड़ा उठा के पूरा धीरे 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 जो है चक्कर लगाते रहते हैं वहाँ पे। ये सोचते हैं कि एक बूंद भी अगर गिरेगा तो इट इज डेंजरस फॉर मी। तो वैसे जब चल रहे होते हैं तो जब आते आते उनको शाम हो जाता है, फिर वो जैसे खत्म हो जाता है एकदम रिलैक्स, उफ खड़ा नीचे फेंक देते हैं, बोलते चलो जान छूटी मेरी। तब फिर भगवान उनसे पूछते हैं तूने मेरे बारे में कितने बार सोचा। तो बोलता है मैं कैसे सोचता भगवान, ये सर पे इतना जो मेरा बोझा दे दिया था एंड एक बूंद भी छलक जाता तो मेरी गर्दन कट जाती थी, तो मैं कैसे सोच सकता आपके बारे में। तो वो यही बोलते हैं भगवान की दैट इज द डिफरेंस। ये जो भक्त है ये दिन भर अपना अपना काम करता है, परिवार देखता है, बच्चों को संभालता है, बीवी को संभालता है, माता पिता को देखता है, बट इनसाइड ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी। और हम लोग देखते हैं भगवान भी जो है वो अर्जुन को ये नहीं कहते तुम सब छोड़ के तुम तपस्या करने चाहो, वो बोलता है मैं जंगल में चले जाता हूँ, बोलते नहीं तस्मात सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध चे, तुम अपना कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना तो युद्ध करो और युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। तो एक शुभ कृष्ण प्रभु हैं, वो इज वेरी नाइस डिवोटी एंड बिग फैन ऑफ हिम, उनका भी मैं सुनता हूँ। तो वो भी एक बार कह रहे थे कि जो गांव की जो स्त्रियां हैं, आई थिंक आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा आई डोंट नो, बट
गांव की जो स्त्रियां हैं वो सर पे पानी का मटका लेके चलती हैं, एक एक इस तरफ हाथ में मटका होता है वो भी पानी से भरा होता है, और एक हाथ में बच्चा भी होता है, एक छोटे बच्चे ने उसका पीछे से उसका जो इसका क्या बोलते हैं घाघरा जो भी पकड़ के रखा होता है। तो वो बोल रहे थे कि ये लोग जब माताएं जब चलती हैं, सब सर पे मटका भी है हाथ में मटका है, तो उनका मतलब फोकस तो है कि पानी गिरना नहीं, बट साइमल्टेनियसली वो बात भी कर रही है, टॉकिंग ऑल्सो, और वो चलते चलते वो लेडी झगड़ा भी करती है दूसरे से, अरे तूने ऐसा कर दिया तूने ऐसा कर दिया, बट उनको पूरा ध्यान है मटका में जो पानी है वो भी घर लेके जाना है, ये बच्चे को भी पकड़ के रखा है और पीछे बच्चे ने मेरा घाघरा भी पकड़ के, तो साइमल्टेनियसली तो भक्त जो है दैट ही इज लाइक दैट, वो उसका जो फोकस उस मटके पे भगवान का जो स्मरण है उसके ऊपर रहता है हमेशा, एंड कॉन्स्टेंटली ही इज थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड बट ही इज डूइंग हिज जॉब वेरी नाइसली। और दूसरा और एक उदाहरण जो है निताई सेविनी माता जी का, जो पहले भी एक दो बार मैंने कोट किया था कि जब उसका जब चावी का छल्ला जो होता है वो जब घूम जाता है तो वो काम करते करते झाड़ू मारते मारते रोटी बनाते बनाते बच्चे को रेडी करते हुए हस्बैंड को रेडी करती है सब उसको टिफिन दे रही है, लेकिन उसका माइंड नहीं चल रहा था कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया। सो ये जो है भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, दे आर डूइंग ऑफिस में बैठे हैं वो अपना कोलीग से बात कर रहे हैं मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं या जो भी है, दे आर डूइंग ऑल दिस डाउन, बट एट द बैक ऑफ द माइंड उनके मन में जो भगवान का चिंतन भी चलते रहता है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि बोलते वो श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं कि दो चीजें हैं, एक है कर्म फल भगवान को देना एंड सेकेंड इज कर्म ही भगवान के लिए करना टू वर्क फॉर द लॉर्ड। तो कर्म फल देना एक चीज है, बोलते हैं कि हम लोग पूरा दिन हम लोग जो कार्य करें उसका फिर बाद में फाइनली हम भगवान को बोलने की कृष्ण अर्पण मस्त हो, जो भी इसका जो फल मिला है मैं आपको अर्पण करता हूँ, जैसे भक्त लोग अपना सैलरी ऑफर करते हैं और मतलब जो भी फायदा होता है या जो भी है भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं तो फिर वो कर अर्पण करके खाते हैं, तो ये कर्म फल अर्पण। और दूसरा है जस्ट टू वर्क फॉर द लॉर्ड, मतलब अपना उसमें कुछ भी नहीं, जैसे अर्जुन अर्जुन को कहा गया कि तुम युद्ध करो तो उनका अपना कुछ भी नहीं, मतलब ये मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, दैट इज स्टिल हायर टू वर्क फॉर द लॉर्ड। ये चीज जस्ट दिस थॉट्स केम टू माय माइंड, जस्ट कनेक्टेड दैट, एंड इसमें यही कहा गया है कि भक्ति जो है वैसे अहेतु विदाउट एनी कॉज सेकंड अप्रतिहता। बहुत अच्छा भागवतम का श्लोक है मेरे को याद नहीं रहा, इसका स्टार्टिंग क्या है, फर्स्ट कैंटो में श्लोक आता है सवई पुंसाम परो धर्मा या सभी पुंसाम परो, थैंक यू माता जी, सभी पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। का मतलब क्या है, उसका मीनिंग ये है कि जो धर्म तो बहुत सारे लेकिन जो परो धर्म है सबसे सुप्रीम धर्म जो है वो है कि हम लोगों को भगवान के प्रति भक्ति करना है, भक्ति करना है और किसके प्रति, अधोक्षज वो भगवान के प्रति, बाकी दूसरे के प्रति नहीं, बॉस के प्रति नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के या अपने स्पाउस हस्बैंड या वाइफ उसके लिए नहीं, ये या देवी देवताओं के लिए नहीं, ओनली फॉर कृष्णा। और हाउ दैट शुड बी ये भी कहा गया है, इट शुड बी अहेतु की, ये जो उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, और हम लोग देखते हैं गोपियों का जो मूड था वो कैसा, उसमें कोई हेतु नहीं था, और हम लोग वो भी कथा सुने हैं, हम लोग कैसे गोपियाँ जो है ये भगवान कृष्ण का सर दुखता है तो झाड़ जाए तो ये नहीं सोचती कि मैं हम लोग नरक चले जाएंगे, तो ये सोचती है भगवान कृष्ण का तो सर ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज प्योर भक्ति, दे डोंट सी देयर
एंड रिजल्ट्स हमारा क्या होगा, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना, यस दे आर हैप्पी, सो दैट काइंड ऑफ भक्ति इज टॉप मोस्ट भक्ति। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो प्यूरिटी है, सो इफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज देयर, तो ये प्यूरिटी धीरे धीरे आता है। बट इफ यू लुक, मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं ये सत्संग में जाता हूँ तो मेरा क्या फायदा है, या मेरा कैसे नाम हो सकता है, या हाउ कैन आई बी बिगर, ये सब जो चीजें हैं दिस इज पुलिंग अस डाउन। लोगों को भक्ति, एक्चुअल भक्ति जो है उससे दूर रखती है अपने को। वी मे थिंक कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, बड़ा सत्संग कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप में जा रहे हैं, अरे मैं तो ये जो ग्रेट प्रभु हैं, अमरेंद्र प्रभु हैं, उनके उनके क्लास में जाता हूँ, बट वट आर यू गोइंग फॉर? हम किसी से जुड़ते हैं तो वॉट इज द कॉज, मेन रीजन क्या है? वी शुड आस्क अवर सेल्फ, इट इज नॉट फॉर एनी बडी, बट वी शुड आस्क अवर सेल्फ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इट इज फॉर प्योर श्रवण और इट इज फॉर नेम एंड फेम। तो ये जो प्योरिटी है दिस विल ब्रिंग और भक्ति, हमारा जो भक्ति जो डोरमेंट है इसको ये ऊपर लेके आएगी। यही कह रहे हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल, और ऐसा नहीं है कि ये गरीब लोग नहीं कर सकते, शूद्र नहीं कर सकते, चांडाल नहीं कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन डू। इवन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक बहुत अच्छा श्लोक है क्या, किबो विप्र किबो व्या किबो न्यास शूद्र के नाय श्रवणादि, नहीं व्हाट इज दैट, किबो विप्र किबो न्यासी शूद्र के नाय, कौन शूद्र है कौन सन्यासी है और कौन बड़ा पंडित है। तो वो जो श्लोक है उसमें यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। तो जो कृष्ण तत्व का वेत्ता है, तो डजन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा ब्राह्मण कुल से होना चाहिए, कोई बड़ा पंडित होना चाहिए, या सन्यासी होना चाहिए, तो डजन मैटर, कोई शूद्र भी है कोई चांडाल भी है तो भी वो भगवान का बड़ा, अगर कृष्ण तत्व वेत्ता तो उसको हम गुरु बना सकते हैं। तो दैट इज द एसेंस, तो एनीबॉडी कैन टेक इट, ये इसमें कहा गया है। फिर आगे हम देखते हैं, इन मिडिल एजेस आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य ग्रेट एसोसिएट लॉर्ड नित्यानंदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस यस माता, या सॉरी बिकॉज़ यू सेड वी कैन नॉट टॉक इन बिटवीन, आई एम जस्ट या या आई एम नॉट एबल टू सी, सो प्लीज टॉक। या ओके ओके प्रभु जी, आई एक्चुअली हैड टू क्वेश्चंस। द फर्स्ट ओके वन इज रिगार्डिंग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड आउट हम पवित्रता के बारे में, यू नो इन पवित्रता इन भक्ति के बारे में, यू नो वी वर टॉकिंग, यू नो प्रैक्टिकली मैं सोच रही हूँ कैसे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, बिकॉज आई फील यू नो वो मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है तो प्योरिटी ज्यादा हो जाएगा, राइट? बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ व्यासदेव फॉर एग्जाम्पल, इतना ही इज डन यू नो सो मच फॉर ह्यूमैनिटी एंड इतना बुक्स एंड इतना यू नो इज अ ग्रेट डिवोटी, बट His son Sukadev Goswami was still considered, you know, pure when he came out, you know, after 16 years, because there was no material contamination. So, is the understanding then that we should stay away from materiality as much as possible, even though living in this world, is that better? और दूसरा हमको यू नो रहना चाहिए यहाँ, सो इसलिए जो कुछ यू नो अच्छा करना है वी हैव टू यू नो गिव यू नो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, हमारा ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, एंड देन इसके वजह से वी गेट कॉट अप इन लिटिल बिट ऑफ मटेरियलिटी, एंड एंड बिकॉज ऑफ दैट वी काइंड ऑफ डेवलप सर्टेन बैड क्वालिटीज, बट हम यू नो प्रयास करके टू बिकम पवित्र, टू गेट इन दैट डायरेक्शन we try and give that up. So Prabhuji, my question is like how to, should we stay away from all kind of material contamination, but because we are living in this world we are going to be materially contaminated, so is a person who's actually materially contaminated and then trying to come back in this path a better person? I'll just give an example, Prabhuji. For example, a person doesn't smoke at all. Is that person better? Or a person, because of the material contamination, so the smoking is just an example of some material contamination. And ek to he smokes
and then baad mein he gives it up, and even if he's in the company of the smokers, he's still able to stay away from that. So would that be better purity? Hare Krishna Prabhuji, that's my first question. I have another question also. Hare Krishna. Okay, thank you Mata. Yeah, very nice question Mata ji. So एक तो इफ पॉसिबल वी शुड स्टे अवे, हम लोग को भौतिकता से दूर रहना चाहिए इफ पॉसिबल, इफ वी कैन डू दैट. दैट्स व्हाई जैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान अच्छे जो भक्त हैं उनको सुचिनाम श्रीमतांगे है, उनको ये सब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. बट वी हैव टू स्ट्रगल, हम लोगों को धन भी कमाना है, फैमिली भी चलाना है, वी हैव टू स्टे इन द सोसाइटी, वी हैव टू स्टे विद कोलीग्स. तो इफ पॉसिबल वी कैन अवॉइड, इफ नॉट अगर नहीं कर सकते हैं तो वी कैन स्टे विद देम बट नॉट एसोसिएट विद देम. सो दोनों में फर्क है. तो उनका संग नहीं लेना है हम लोगों को. हम जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं, देयर आर डिवोटीज, तो वो लोग सब अपना काम करते हैं, अपने कोलिग्स के साथ में रहते हैं, अपने जूनियर्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में, दे डू देयर ड्यूटी परफेक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट दे आर नॉट अटैच्ड टू दैट वर्क. और सम कोलीग दे आर नॉट अटैच्ड बिकॉज ही इज अ गुड पर्सन, और उनका एक्सटर्नल क्वालिटी से वो आ सकते नहीं होते. इनफैक्ट बोलते हैं कि हम लोगों को एसोसिएशन देना चाहिए, दे शुड बी अफेक्टेड बाय अवर एसोसिएशन, वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय देयर एसोसिएशन. सो जैसे एक गर्म पानी का ग्लास है, ठंडे पानी का ग्लास है, बाउल दोनों साथ में जब रखेंगे तो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा, गर्म पानी है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन. सो वी हैव टू गिव एसोसिएशन, वी हैव टू affect their consciousness and not get affected. Unke consciousness se humko affect nahi. So that is an important thing. Ki hum log jab bhautik logon ke saath mein, hum log family, hamare family members bhi hain, jaise others, maybe brother or anybody else, relatives. So they are not devotees. So humko zaruri nahi hai ki, matlab we cannot say no, you are not devotee, you are rascal, I don't want to associate. Aisa nahi kar sakte. It's family. So we need to stay with them but not get associated by them. So matlab apna jo kya bolte na affection unse nahi hona chahiye. Our affection be towards the devotees, bhagwan ke bhakton ke prati hamara aasakti hona chahiye, aur wo jab karenge to automatically we are doing our duty and lord will be pleased and he will make better opportunity. अच्छा और जगह मतलब बना सकते हैं कि हम लोग अच्छा ठीक है, ये भक्त अच्छे से कर रहा है, ही इज डूइंग वेरी गुड एंड ही विल स्लोली ही विल पुट अस इनटू अ बेटर सिचुएशन. सो ये करना चाहिए. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता जी. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. हरे कृष्णा. माय सेकंड क्वेश्चन इज प्रभु जी, व्हेन यू नो वी आर सेइंग दैट वी आर ऑफरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, because I'm thoda sometimes I get this confusion, you know, because I think the bhav is very important. Ultimately the way that I'm looking at it is, agar ek CEO ka company, there's a company CEO, uske paas to sab kuch hai. If I'm offering, you know, one kind of you know, one small app, so we will stop here aur hum log isn't there कल मिलते हैं. श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. श्री रूप गोस्वामी पाद की जय. श्री रूप पाद की जय. हरे कृष्णा. He has everything. Who am I to give anything to him? In the same way, when we approach God, he has everything. So why should I give, you know, anything to him? I don't know, you know, thoda some kind of confusion I have there, because isn't there some kind of an ego or pride? Who are we to give anything to him? He can take whatever he wants. So I feel maybe there is some kind of a pride when we try and give something to somebody who has everything. So what are your thoughts on this, Prabhuji? Hare Krishna. Yeah, correct.
देर आर टू थिंग्स इसमें हम देख सकते हैं कि यस चलने का अरे बोल ओके या सॉरी तो इसमें इसमें हम देख सकते हैं दो चीज है एक तो ए पर्सन इज कंटेमिनेटेड बाय हिज थॉट्स एंड ही थिंक्स ही कैन गिव समथिंग टू द सीईओ तो दैट सीईओ आल्सो कैन अंडरस्टैंड उसके एटीट्यूड से कि ये मुझे क्यों दे रहा है एंड ही माइट रिजेक्ट इट और दूसरा जो है एकदम ही में भी है मतलब सिक्योरिटी गार्ड बट इवन इफ यू सैल्यूट्स एंड ही विल गिव अ स्मॉल समथिंग जैसे कुछ भी एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है तो विद लव तो ही कैन अंडरस्टैंड ओ दिस इज मतलब इट्स सो मच रिस्पेक्ट एंड सो मच अफेक्शन ही इज गिविंग दैट सो ही एक्सेप्ट्स दैट सो लाइक वी आर मतलब पर्सन एंड भगवान जो है वो भी एक पर्सन तो ही कैन अंडरस्टैंड ही इज नो ओमनीपोटेंट उनको सबका जो है हृदय का भाव पता है और इसीलिए हम लोग देखते हैं जब दुर्योधन ने जब उनको बोला कि मैं आपको छप्पन क्या भगवान ने छप्पन भोग कभी खाया नहीं था क्या ही इज किंग ऑफ द्वारका एंड वॉट इज इज ऑफरिंग छप्पन भोग बोला मैं आपको छप्पन भोग खिला था बट ही अंडरस्टूड हिज ईगो आउट ऑफ ईगो हिज सेल्फ तो उन्हें नहीं खाया एंड साइमल्टेनियसली विदुरानी ने उनको मतलब उनका छोटा सा घर था वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने केला भी नहीं केले का छिलका खाया इंस्टेड ऑफ बनाना वो बनाना पील जो था वो केले का छिलका खा लिया सो ही इज अ पर्सन वी कैन अंडरस्टैंड और हम लोग व्हेन वी आर इन रिलेशन वी आर टॉकिंग विद पीपल वी कैन अंडरस्टैंड दैट मूड इफ समबडी इज टॉकिंग सो व्हाट मूड ही इज टॉकिंग सो व्हेन तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे वी कैन अंडरस्टैंड बीइंग ए पर्सन तो ही इज द ओमनीपोटेंट तो जब कोई ऐसा ईगो से बात करता है तो ही डजंट एक्सेप्ट इट ही इमीडिएटली रिफ्यूजेस सो द क्वेश्चन इज वेदर वी शुड गिव इट और नॉट तो है कि हमको देना चाहिए जैसे हम लोग हमेशा वो उदाहरण देते ना कि एक फादर जो है अपने चार बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आता है तो एवरीबडी हैज दैट शेयर लेकिन एक जो बच्चा हु इज वेरी मच इन लव विद हिज फादर वो पहले खोल के पापा पापा पहले आप खाओ नहीं नहीं पहले आप खाओ सो हाउ मच नाइस ही विल फील he appreciates that love and he likes that mood so वैसे ही devotee जो है this is non devotee and devotee जो non devotee he thinks I can give anything to Lord बोलो जैसे भक्त लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं बड़े बड़े जो millionaires हैं industrialists हैं वो बोलते बोलो आपको क्या चाहिए क्या बताओ आप तो I think इसका लेक्चर सुन रहा था लॉर्ड बर्मन बताया आई थिंक शिव कृष्ण को वो कहीं सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे बोला आपको क्या कितना पैसा चाहिए आप बताओ बोला आप एक सिंपल काम करो खाली ये एक माला है तो माला का जप करो रोज एक वो बोले महाराज ये नहीं होगा मेरे से आप कितना पैसा चाहिए वो बताओ आई कैन गिव एनी थिंग बोला कितना लाख रुपए चाहिए बताओ आई कैन बट ये माला करने के लिए मत सो It is that कि एक नॉन डिवोटी का देने का मूड ही थिंक्स ये मेरा है मैं कितना भी लाख रुपया दे सकता हूँ सो दैट काइंड ऑफ मूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड लेकिन पोलवेचा श्रीधर पोलवेचा श्रीधर जो था कितना गरीब था वो और चैतन्य महाप्रभु उससे जाके लड़ाई करके मतलब बोलते थे दो आने का है नहीं नहीं मेरे को एक आने में दो मेरे को आधे आने में दो ही यूज्ड टू फाइट एंड ही यूज्ड टू डेली यूज्ड टू डू दैट एंड ही यूज्ड टू लव दैट बिकॉज़ ही नोस कि ही सो सच अ नाइस डिवोटी ही इज टेकिंग द होल भगवान का इतना अच्छा नाम ले रहे हैं सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड भगवान खुद जा जाके उनसे लड़ाई करके उनसे इट वाज लाइक ही वाज हैविंग फन विद द एक्सपोजर सो हमारा जो मूड है इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर मूड हमारा भाव क्या है अगर हमारा भाव अगर अहंकार रहित है इट इज विदाउट पॉलिसी को देन लॉर्ड विल वी कैन गिव एनीथिंग इट कैन बी अ स्मॉल भगवान बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम डोंट गिव मी लैक्स ऑफ रुपीस एक पत्र दे दो एक पुष्प दे दो एक फल दे दो कुछ नहीं है एटलीस्ट ए ग्लास ऑफ वाटर उतना भी नहीं छोटा सा
एक छोटा सा कटोरी में पानी पीले, ही डजंट वांट एनीथिंग, ही ओनली वांट हिज, उनका नाम है भावग्राही जनार्दन, तो उनको भाव चाहिए हमारा, ही डजंट नीड लैक्स ऑफ रुपीज, ही डजंट नीड अवर फूड, इट इज क्या बोलते हैं, हम लोग अपने प्योरिटी के लिए वो हम उनको देते हैं, जब उनको देते हैं तो इट बिकम्स वी बिकम मोर प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअल पाथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, या थैंक यू, थैंक यू माता, हरे कृष्ण। ओके, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी स्टॉप। तो मैं शेयर करता हूँ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है इन द मिडिल एजेस आफ्टर डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो यहाँ पे कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु, उनके चले जाने के बाद एक प्रकार का वर्ग एक तैयार हो गया था, जो कहते थे कि हम नित्यानंद के वंशज हैं और वो अपने आप को गोस्वामी बुलाते थे। The further claimed that practicing and spreading of devotional service belonged only to their particular class. और ये कहते थे ये सिर्फ जो हम लोग नित्यानंद वंशी हैं, हम लोग जो नित्यानंद के वंश में हैं, ये सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। And they used to chastise them. बोला नहीं तुम लोग इस लाइफ नहीं हो। In this way they exercised their artificial power for some time until Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the powerful acharya of the Gaudiya Vaishnava. और ऐसा तब तक चला था, ये जो नित्यानंद जो वंश के जो थे उनमें कुछ ऐसा स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं था, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ दे यूज्ड टू क्लेम कि हम नित्यानंद वंशी और खाली हम लोग कर सकते। बट एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी आ गए, वो इतने पावरफुल आचार्य थे, हमने कई बार उनके बारे में सुना है, लाइक उनको सिंह गुरु भी कहा जाता है उनको। तो उन्होंने ये जो सारा उनका जो ये आर्टिफिशियल कंट्रोल था जो बिकॉज ऑफ देयर वंश, वो सब उन्होंने हटा दिया थ्रू फिलोसफी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, देयर वॉज अ हार्ड ग्रेट हार्ड स्ट्रगल फॉर सम टाइम बट इट हैज टर्न्ड आउट सक्सेसफुली एंड इट इज नाउ करेक्टली एंड प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश्ड दैट डिवोशनल सर्विस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मैन। तो इनिशियली काफी डिफिकल्ट था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने उनका जो ये जो आर्टिफिशियल जो ये जो बना के रखा था फिलोसफी के माध्यम से उसने सब, उन्होंने सब ये बता दिया कि ऐसे कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए, ये खाली उन्हें आप लोग जन्म के क्या बोलते हैं जन्म के अधिकार पे आप लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, जो भक्ति कर रहा है तो कोई भी कर सकता है, चांडाल भी कर सकता है, वेरी जो छोटे से छोटे गरीब का है वो घर घर का है वो भी भक्ति कर सकता है। तो बिसाइड्स दैट एनीवन हु इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस इज ऑलरेडी एट द स्टेटस ऑफ बीइंग अ हाई क्लास ब्राह्मण, तो अगर अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे है, इज हाई क्लास ब्राह्मण। और इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने ये अपना जो मूवमेंट था उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ा और ये फिर में सक्सेसफुल हो गया। तो ओके, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार, प्रणाम, श्री श्री भक्ति रसा मृत सुंदर की जय, शील रूप गोस्वामी पाद की जय, शील प्रभुपाद की जय, स्वर्ण गुरु वंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार।